खाने का टाइम हो गया हो जे हपुआ अभी तक ना आओ, इसे भी जे ही टाइम मिलतो है घूमने फिरने को। दरी मैं देख क्यों? ना चमची, बहुत रात हो गई है, तू इते बैठ, आ तो ही होगो। रंगीन होके आ गो। चलो का है अम्मा, इतनो छिली छिली काय लग रही? अरे बेनी के साथ आता ना, कैसी पंचायत चल रही थी, सो देर हो गई। अरे बापू यहाँ बैठेगा के? उठू ना। ना महाराज, तुम्हारे खाओ पियो, हम हमें तो बैठ जाएंगे, इतने आओ। राजेश क्या बनाया आज खाने में? करेला। करेला कौन खाते हुए? अरे कोई खाए ना खाए, लेकिन हमें जे पता है कि बेनी तो खाई ही खाए। नहीं नहीं राजेश, क्या है कि बिमलेश की कसम, हम जो है ना करेला, हमें करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बिमलेश कसम कह रहे हैं बेनी, जो करेले की रेसिपी हमने बिमलेश से पूछ के बनाई है। बेनी अंकल तुम्हें तो जी खानी पड़ेगी करेले की सब्जी। देखो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, पूरा घर खिलखिलाए के हंस रहो है। माँ यो बात तो थारी घनी गलत से है, मरने तो थारा सेंस ऑफ ह्यूमर बकवास लगा एकदम। बिल्कुल सही कह रही है बेटी मलाइका, जा में इतनी हंसने की बात ही ना थी जे तुम लोग मुंह फाड़ रहे हो। कटोरी नाटक की बताओ तो ना, कैसी चल रही है रिहर्सल? फादर कैट एंड मी रिहर्सलिंग डे नाइट एवरी डे एंड कमलेश प्रिपेयरिंग फॉर यमराज। अच्छा कमलेश यमराज बनू? हाँ। बहुत अच्छा रहो, अब हमें खुशी होगी, सारो यमराज बनू, घूमतो रहेगो दिन भर। और हमाओ जे अंदाज तुम्हें पसंद ना हो का? रज्जो तुम्हारे अंदाज की क्या कहें, तुम्हारो अंदाज तो नहीं बहुत बढ़िया, मजाकिया मजाकिया तो अच्छो लगो। हाँ ये वो क्या रणबीर, वो हम ऐसी परिस्थिति जो है ना एक बार एकलव्य के समक्ष भी उत्पन्न हो गई थी कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया था। फादर हो एकलव्य दुनिया की जड़ हो तो है। हाँ? जब अंग्रेजी में घुसी रहेगी तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगो बेटा, तनक हिंदी की गहराई में भी तो जा। एकलव्य मतलब, अरे एकलव्य ना जानती? एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को चेला हतो। चेला बे केट, अब तो को चेलो का मतलब भी समझानो पड़ेगा, है ना बेटा? ग्रैंड मदर यू अंडरस्टैंडिंग मी इनसाइड आउट। हाउ हाउ, तो चेला वो हो तो है जो अपने गुरु की हर बात मानत है आंख मूंद के।